श्री ह्रीं श्री कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद श्री ह्रीं श्री ओम महालक्ष्मी नमः। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता लक्ष्मी की जय। भक्तजनों, आज हम आप सबको माता लक्ष्मी की अति पावन कथा सुनाने जा रहे हैं। माता लक्ष्मी की पूजा के लिए शुक्रवार का दिन विशेष महत्व रखता है। इस दिन विधि पूर्वक माता की पूजा अर्चना करने वाले समस्त सुखों को प्राप्त करते हैं और उनके जीवन में धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं रहती। तो आइए भक्तों, भावपूर्वक माता के कथाओं का गान करते हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, लक्ष्मी माता की जय। हो माँ की महिमा अति सुखकारी, माँ की भक्ति मंगलकारी। जनों, अब हम आप सबको माता लक्ष्मी के अवतार और इनकी महिमा के गाथाओं का श्रवण कराने जा रहे हैं। एक समय की बात है जब दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने भगवान शिव की घोर तपस्या करके संजीवनी विधा प्राप्त कर ली, तो उनकी शक्तियों के बल पर दैत्यों ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया। देवता और दैत्यों में महायुद्ध प्रारंभ हो गया। दोनों तरफ के अनेकों सैनिक मृत्यु को प्राप्त हो गए। शुक्राचार्य ने अपनी संजीवनी विधा से मृतक दैत्यों को पुनः जीवित कर दिया, परंतु देवताओं के पास ऐसा कोई उपाय नहीं था, जिस कारण उनकी संख्या निरंतर घटती गई और अंततः वे इस महायुद्ध को हार गए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, लक्ष्मी माता की जय। हो प्राण बचा कर के सब भागे, पहुँचे श्री विष्णु के आगे। भगवान विष्णु बोले कि सागर मंथन से जो अमृत निकलेगा उसको पी करके सब मृत्यु के भय से मुक्त हो जाओगे।
परंतु इस काम में तुम्हें दानवों की सहायता भी लेनी पड़ेगी। प्रभु की आज्ञा मानकर सभी देवता दानवों के पास गए और अमृत का लालच देकर उनको भी अपने साथ मिला लिया। मंदराचल पर्वत को, मथानी और बासुकी नाग को रस्सी बनाकर सभी समुद्र का मंथन करने लगे। जब मंदराचल पर्वत बिना किसी आधार के अथाह जल राशि में डूबने लगा, तो देवों के विनती पर भगवान विष्णु ने कश्यप का रूप लेकर मंदराचल के भार को अपनी पीठ पर धारण कर लिया। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, लक्ष्मी माता की जय हो। कालकूट विश्व बाहर आया, चहु दिशिहा कार मचाया। भक्तजनों, इस प्रकार से हाथों में सुंदर सुगंधित फूलों की माला लेकर सागर के गर्भ से माता लक्ष्मी का अवतार हुआ। ब्रह्मा जी के आदेश से एक सभा बुलाई गई, जिसमें माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को माला पहनाकर पति रूप में उनका वरण कर लिया। अब माता लक्ष्मी की महिमा को सुनिए। किसी शहर में शीला नाम की एक स्त्री धर्म पूर्वक जीवन यापन कर रही थी। उसका पति भी बहुत ही सुशील और विवेकवान था। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, लक्ष्मी माता की जय हो। दोनों भजन सदा थे करते, पाप बुराई से थे डरते। शीला के पति पर गलत संगत का असर इस प्रकार से हुआ कि वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने की सपने देखने लगा। फलस्वरूप उसने गलत रास्तों को अपना लिया और कंगाल हो गया। एक दिन शराब के नशे में जुआ खेलते हुए उसने अपना सब कुछ गंवा दिया। शीला को पति के वर्ताव से बहुत दुख हुआ, परंतु वह ईश्वर पर विश्वास करके सब कुछ सहने लगी और अपना ज्यादा से ज्यादा समय ईश्वर की भक्ति में बिताने लगी। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, लक्ष्मी माता की जय।
जय। हो एक रोज एक माझी आई द्वारे पर आवाज लगाई, उस माझी को आदर सहित अपने घर में लेकर गई। बैठने के लिए और कुछ तो था नहीं, इसलिए एक फटी हुई चादर पर माझी को बैठा दिया। माझी बोली, शीला तुमने मुझे नहीं पहचाना, मैं हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर भजन कीर्तन के समय वहाँ उपस्थित रहती हूँ। बहुत दिनों से तुमको वहाँ पर नहीं देखा, तो तुम्हारा हाल चाल जानने के लिए यहाँ चली आई। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, लक्ष्मी माता की जय। हो मांझी के वचनों को सुनकर शीला रोने लगी, जब मांझी ने इस प्रकार से पूछा तो शीला ने अपनी सारी कहानी बता दी। मांझी बोली, बेटी तू परेशान मत हो, मैं तुझको माता लक्ष्मी के व्रत की ऐसी विधि बताने जा रही हूँ जिसे करने से तेरे सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे और तेरी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। मांझी ने विधि पूर्वक व्रत का सारा नियम बता दिया। शीला ने आंख बंद करके व्रत का संकल्प किया और जैसे ही आंख खोला मांझी अंतर ध्यान हो गई। अब शीला को समझते देर ना लगी कि यह और कोई नहीं बल्कि स्वयं माता महालक्ष्मी ही थी। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, लक्ष्मी माता की जय। विधि पूर्ण
करवाया। जनों, प्रसाद पाते ही शीला के पति की मनोदशा ठीक होने लगी और फिर धीरे धीरे वह पूर्ण स्वस्थ और पहले जैसा संयमी बन गया। कुछ ही दिनों में कड़ी मेहनत से उसने अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू कर दिया और माता लक्ष्मी की दया से सब कुछ ठीक हो गया। शीला ने 21वें शुक्रवार को व्रत का उद्घाटन किया और फिर माता ने उसकी सारी मनोकामना पूरी कर दी। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, लक्ष्मी माता की जय। हो जिस पर माँ की रहती दया, उस पर कभी कष्ट न छाया। जनों, माता लक्ष्मी की दया के बिना कैसा विद्वान व्यक्ति को हर जगह केवल अपमानित ही होता है। यहाँ तक कि अपने घर के और सगे संबंधी भी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते। इसका परम उदाहरण आप वर्तमान समय में अपने आसपास ही देख सकते हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, लक्ष्मी माता की जय। हो जिनके पास नहीं है माया, उन पर कोई करे ना दाया। जनों, 7, 9, 11 या 21 शुक्रवार का व्रत कथा रहकर उद्घाटन करना चाहिए। प्रसाद में केला अति उत्तम माना गया है। उद्घाटन के दिन 7 या 9 कन्याओं को बुलाकर जो भाव पूर्वक खीर का भोजन करवाता है उसके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, लक्ष्मी माता की जय। हो माला
मुक्त सनंद पे माँ करुणा कर दो। द्वारे पर है झोली भर दो, हे माता तुम हो सुखधाम, तुमको कोटि हजार प्रणाम। भक्त जनों, माता लक्ष्मी के इस कथा को सुनने वाला भी व्रत के समान ही फल प्राप्त करता है, और माता के व्रत को करने वाले को तो इसे विशेष रूप से ही सुनना चाहिए। अब हम इस पावन कथा का यहीं पर विश्राम करते हैं। जय माता लक्ष्मी की। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता लक्ष्मी की जय। नमो नमः। ओम महालक्ष्मी नमो
लक्ष्मी नमो नमः, विष्णुप्रियाय नमो नमः, धनप्रदाय नमो नमः, विश्वजनन्यै नमो नमः। विश्वजनन्यै नमो नमः। ॐ महालक्ष्म्यै नमो नमः, ॐ विष्णुप्रियाय नमो नमः, ॐ धन्यप्रदाय नमो नमः, ॐ विश्वजनन्यै नमो विष्णुप्रियाय नमो नमः, धनप्रदाय नमो नमः, विश्वजनन्यै नमो नमः। विष्णुप्रियाय नमो नमः, धनप्रदाय नमो नमः, विश्वजनन्यै नमो नमः। विष्णुप्रियाय नमो नमः, धनप्रदाय नमो नमः, विश्वजनन्यै नमो नमः। विष्णुप्रियाय नमो नमः, धनप्रदाय नमो नमः, विश्वजनन्यै नमो नमः। विष्णुप्रियाय नमो नमः, धनप्रदाय नमो नमः, विश्वजनन्यै नमो नमः। विष्णुप्रियाय नमो नमः, धनप्रदाय नमो नमः,
लक्ष्मी नमो नमः, विष्णु प्रियाय नमो नमः, धन प्रदाय नमो नमः, विश्व जनन्यै नमो नमः। नमो नमः, ओम विष्णु प्रिया।